तो इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक स्मार्ट वॉच की, जो है हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही हमारी वॉच। और इसको हम ओपन करके बताएंगे, अनबॉक्सिंग करके बताएंगे कैसे इसको क्या यूज है, क्या अब स्पेसिफिकेशन सब बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। इस वॉच को अगर रिलेटेड आप इसको खरीदना चाहते हैं या फिर इसको आप सर्च करें कोई ऐसी वॉच जो उससे हम कॉल वगैरह कर सकें, इनबिल्ड उसमें दिया हो और ये अच्छी खासा वाटर रेजिस्टेंस हो, ये आपके लिए वॉच बेस्ट हो सकती है। तो इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखें। तो दोस्तों ये है अम्ब्रेन का एक स्मार्ट वॉच, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर साइड में बात करें तो यहाँ पर इट्स टाइम टू वर्क वगैरह दिखा है। और बैक साइड की बात करें तो ये स्मार्ट फिट है और यहाँ पर बहुत सारे इसमें यहाँ पर दिए हैं इसके फीचर वगैरह। वॉइस असिस्टेंट वगैरह है, 100 वॉट फेस है। और फेस का मतलब क्या होता है, जिसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जिस तरफ दिखता है फेस, इसी को फेस कहते हैं। तो इसमें 100+ फेस है वगैरह है। और यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट वगैरह दिया है, इनबिल्ट माइक दिया है जो इसमें इस वॉच में। तो और यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर एक QR कोड है, इसे आप स्कैन करके इसके ऐप के थ्रू मतलब इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया है। और स्क्रीन की बात करें तो 1.28 इंच लिक्विड डिस्प्ले है। और यहाँ पर इसमें iOS 10 एबव दिया है, इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड 6 इसको में देखने को मिलता है। और इसकी चार्जिंग जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 2 आवर है। और इसमें 2 मैग्नेट पिन मिलता है जो आप चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए साइड में बताता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके चलिए इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ है के बाद, तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है इसका कार्ड या इनका इनोवा का कार्ड है इनोवा का। तो इसे साइड में रखते हैं, इसमें रेटिंग वगैरह के लिए दिया है यहाँ पर, तो इसको भी साइड में रखते हैं, जो पड़ता नहीं। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कुछ कार्ड वगैरह है। ओ भाई वॉच का है, खाली डब्बा भी देखा है इन्होंने। दोस्तों मजाक कर रहा था, हमारे पास यहीं पर वॉच थी और ये देख सकते हैं हमारी जो वॉच है, यहाँ पर बैक साइड वगैरह से देख सकते हैं। तो इसके लिए साइड में रखते वगैरह, चलो बाइक साइड जाऊँ। और ये देख सकते हैं ये हमारी है वॉच। तो दोस्तों हमारे पास वॉच यहीं पर है, इसको हम ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पर यही जो बटन प्रेस कर रहा हूँ ये हमारी पावर बटन है और यहाँ पर ये एक्सरसाइज वगैरह बटन है। तो चलिए इसके जब तक ये ऑन होता है इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं पीछे की बैक साइड में। तो बैक साइड का देखें तो यहाँ पर इन्होंने एम्ब्रेन वगैरह की एम्ब्रेन की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर ये चार्जिंग पोर्ट है जो यहाँ पर मैग्नेटिक है। और यहाँ पर जो ये स्कैन वगैरह करता है हमारा वो चीज़ है। तो चीज़ यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। और बात करें साइड की, तो ये जो साइड को दिख रहा है आपको ये मेटल का बनाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो वहाँ पर ये रबड़ का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये है इसका पहला लुक जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये बहुत सारे फेस हैं, इसको आप लॉक प्रेस करके बहुत सारे यहाँ पर कोई अगर आपको जो मन करे वो चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये रख लिया तो इसको भी रख सकते हैं। तो और जैसा बटन ये होम है, उसके बाद जैसे यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर जो मेन मेनू है यहाँ ओपन हो जाएगा। इसको आप मेनू को मतलब लिस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, पर मैंने सर्कल अभी किया है। तो ये यहाँ पर जितने भी ये सब दिख रहे हैं आपको यहाँ पर ये ऐप वगैरह हैं सर, इसको खोल वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपको सब टेस्ट करके दिखाएंगे। अगर इस मेनू के बाद इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज और जो भी फिटनेस बैंड वगैरह का आपको मिलता है यहाँ पर दिखता है सब सारा कुछ। और यहाँ पर उसके बाद जैसे जाएंगे यहाँ पर कॉल वगैरह फ़ोन वगैरह के लिए और म्यूजिक वेदर वगैरह है। यहाँ पर फोटो शटर अगर अपने मोबाइल से आप कनेक्ट कर लेते हैं तो उसका शटर फोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पर मिलता है आपको एक वॉइस असिस्टेंट, के बाद आपका ब्रीथिंग के लिए आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर है। और यहाँ पर बस इतना ही है, उसके बाद यहाँ पर आगे आते हैं। चलिए आपको एक वन बाई वन दिखाता हूँ फीचर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये हार्ट बीट वाला है, उसके बाद केजी का है, उसके बाद टेम्परेचर, के बाद आपको मिलता है ये पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं मालूम। के बाद कैमरा आता है, म्यूजिक आता है, अगर म्यूजिक कनेक्ट है तो यहाँ पर इसी में बजेगा। और इसका जो दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है और ये है इसका इनबिल्ट माइक, यहाँ जो जो छेद दिख रहा है तो ये है इनबिल्ट माइक इसका। तो उसको थोड़ा सा पानी से बचा कर रखें, यही हिसाब से विनती है।
उसके बाद चलिए हम इसके सेटिंग चलते हैं। जैसे सेटिंग जाएंगे यहाँ पर स्क्रॉल वगैरह करेंगे तो देखिए ये जो मेनू वाला ऑप्शन था यहाँ पर सर्कल था, ग्रिड व्यू था, अब इसको लिस्ट व्यू कर देंगे तो कुछ ये इस तरह दिखेगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर सेटिंग में जाऊँ और सेटिंग में जाकर मेनू व्यू में करके ग्रिड कर दूँ तो ये देखिए इस तरह कुछ दिखने वाला है। तो ये मुझे थोड़ा सा ग्रिड वाला अच्छा लगा है मुझे। तो जैसे आप जैसे यहाँ जितना स्क्रॉल करेंगे ये वाइब्रेट होता है, जो बैक साइड है ये वाइब्रेट होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है दिखने में। तो चलिए हम सेटिंग में जाते हैं, दिखाते हैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल। तो अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें वगैरह दी गई हैं, इसमें देखिए रोमा फोन लिखा है इसका जो नेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका ऐप है, जैसे किसी आप स्कैन से इसको स्कैन करेंगे तो ये आपको इसका जो ऐप है वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पर। तो इसको भी स्कैन करके आप इसको ऐप ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कैसे इसको कनेक्ट करना है। और आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर और वगैरह फीचर हैं। तो इसमें यहाँ पर इतनी ब्राइटनेस देखिए और कम बेसी कर सकते हैं आप इसकी ब्राइटनेस को, अच्छी खासी ब्राइटनेस है इसके। और अलार्म टॉप वॉच वगैरह के भी सिस्टम दिए हैं और इसमें गेम भी है दोस्तों, आप गेम वगैरह भी ओपन खेल सकते हैं। तो चलिए दो गेम इसमें आते हैं, तो चलिए मैं इसको खेल के दिखाता हूँ। ये पॉड वाला गेम है तो प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ओ भाई बॉल आउट हो गए, तो ये यहाँ पे दो ही गेम है इसमें। तो देखिए पहले कनेक्ट करते हैं, तो मैं ब्लूटूथ वगैरह ऑफ कर लेता हूँ। देखिए इसको आपको कनेक्ट करने के लिए आपको इस प्ले स्टोर में आपको जाकर डाफिट नाम का एक एप्लीकेशन होगा उसको ओपन करना पड़ेगा। दूसरी देखते हैं यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में जाना है और डाफिट आपको सर्च करना है। जैसे आप डाफिट सर्च करेंगे आपको सब टॉप पे इसका एप्लीकेशन दिखेगा, यहाँ पर मेरा है तो उसको अपडेट वगैरह नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ अभी। आप अपडेट वगैरह कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, बस आपको शो दिखाने के लिए कैसे कनेक्ट होता है मैंने इसको इंस्टॉल किया। तो दोस्तों उसको डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से डाफिट को ओपन कर लेना है। डाफिट को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर तीन मेनू दिए हैं, 1, 2, 3, तो आपको सेकेंड वाले पर आना है और यहाँ पर ऐड टू डिवाइस क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको ब्लूटूथ अलाउ कर देना है, जैसे ब्लूटूथ इनेबल करेंगे आपको यहाँ पर इसको भी ओपन करना है। और यहाँ से ऊपर से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे देखो आप अपने फ़ोन का ऐप ओपन करेंगे और ऑटोमेटिक वॉच कनेक्ट हो जाएगी। बस आपको ऐप को ओपन करना है और ब्लूटूथ ऑन कर देना है और वॉच कनेक्ट हो जाएगी। इसको देखिए और इसको क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आप कनेक्टिंग दिख रहा है यहाँ पर, और ये हमारा ये जो वॉच है कनेक्ट हो, जैसे यहाँ पर कनेक्ट होगा दोस्तों, और जैसे कनेक्ट होगा यहाँ पर ये देखिए इसको इनेबल मतलब ऑन हो जाएगा ये भी। और यहाँ पर सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना स्टेप वगैरह चले हम सब कुछ, और स्लीप वगैरह है, हार्ट बीट वगैरह चेक कर सकते हैं, जितनी बार चेक करेंगे आप उतनी बार आपको दिखाएगा। और इसको आप यहाँ से भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी पहना नहीं है ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर जैसे मेज पर क्लिक करूँगा जैसे यहाँ पर ये देखिए ऑन हो जाएगा और ये चेक करना स्टार्ट करेगा। पर मैं अभी यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी पहना है नहीं उसको।
अब दोस्तों टाइम आ चुका है कि हम इसकी जो वॉच ऑप्शन दिए हैं इसको कैसे चेक करेंगे कितना इसका उजाला है। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे दीवार वगैरह है, तो ये जो लाइट है अगर आप इमरजेंसी वगैरह करते हैं तो अच्छी खासी लाइट है। देख सकते हैं यहाँ पर आप खुद इसकी लाइट कितनी है, और यहाँ पे दीवार पे मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर साइड में भी देखें तो आप इसका देख सकते हैं आप खुद ही कितनी है इसकी लाइट। चलिए मैं बुक पर दिखाता हूँ आपको, ये हमारी एक बुक का हूँ तो यहाँ पे इतनी है, आप इसको देख सकते हैं और अपना समझ सकते हैं।